अल्लाह पाक का नाम लेकर जो बहुत ही मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। असी अपनी सब भैनों नूं राह इंसानियत वालों अस्सलाम वालेकुम कहने हैं। अज अल्लाह पाक की तरफों साड़ी भैनों की जिहड़ी खिदमत की जाएगी सब तो पहले कुरान पाक जो तर्जमे नाल है और जाए नमाज, उस तो बाद राशन पैकेज दे विच तमाम वो चीज़ा जिहड़ियां किचन च इस्तेमाल होंदियां, जिहड़ियां खाण पीन च इस्तेमाल होंदियां, दालां, चावल, घी, चीनी और शरबत की बोतल, ये सारिया चीज़ा, 5 किलो घी की बाल्टी है, 20 किलो आटे का थैला है और साथ ज़्यादा 5,000। ये मेरे सब अल्लाह पाक की तरफों वा, साड़ा कोई एहसान नहीं, साड़ी कोई बड़ाई नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफों ताड़े वास्ते, ये अल्लाह पाक की तरफ से ये ताड़े वक्त ताड़े वास्ते आया है। तो अल्लाह पाक का असं शुक्र अदा करते हैं, ये उन्हां बीबिया भैनों वास्ते हैं जिहड़ियां हकदार ने, जिहड़ियां बेवा है, जिन्हां का कोई कमाण वाला नहीं, जिहड़े बहुत ही मुश्किल हालात च वक्त गुजारी करन दीआं, ते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। जी नवाज साहब जी। नवाज साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। खैरुन्नास मैयनफ़ुन्नास, तुम में से बेहतर लोग वो हैं जो जिनसे किसी दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचे। 2018 से ये ख़ानदान जो खिदमत का जज्बा लेकर निकला और आज 2022 जिनके अज़म में कोई, जिनके तसलसल में कोई कमी नहीं आई, और माशाल्लाह से इन 4 सालों में अगर इनकी खिदमत का जिक्र किया जाए तो ये राशन पैकेट्स जो अब तक जो मुझे मालूम हुआ है कि 5,000 से ज़ायद जो राशन पैकेट्स है जिसमें घी, आटा और जो ज़ादेरा का सामान है वो अब तक मुस्तहिक खानदानों को राह इंसानियत की तरफ से तकसीम किया जा चुका है। इसके साथ साथ माजूर लोग हों जिनके लिए 37 के करीब जो मकानात हैं उनको हैंडओवर करके तैयार शुदा मकानात राह इंसानियत की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो कि बेरोज़गार थे और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको बाकायदा से कुछ साइकिलों के जरिए, कुछ व्हील चेयर के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू और इस तरह के प्रोग्राम जो है वो राह इंसानी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो मैंने इनको पहले दिन से जिस मुस्तकिल मिजाजी से काम करते देखा और आज तक इनके जज्बा में कोई कमी नहीं है, और माशाल्लाह से आज हर माँ की तरह ये तसलसल के साथ ये आज 40 खानदानों को जो राशन जो है वो तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाजी तारा ने पहले ही बताया कि वो 5,000 रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस की सूरत में, और ये तो ऐसे लोग हैं जिनको हम यहाँ पे इकट्ठे होके कुछ खवातीन को दे रहे हैं और जिनको मंथली जिनके घरों में डोर टू डोर राशन मुहैया किया जा रहा है, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो नकद इमदाद की सूरत में कोई 15 के करीब खानदान है जिनको मुस्तकिल महाना जो है वो नकद माली इमदाद भी दी जाती है। मैं राह इंसानियत की तरफ से आप लोगों को ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है जो राह इंसानियत की तरफ से दी जा रही है। आप अस्पताल में चले जाएं, आप देखें यहाँ पे समुद्री शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, आपके लिए फ्री डिस्पेंसरी हैं, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, हर सेक्टर में मैंने इनको देखा है कि जहाँ पे भी फलाह इंसानियत की जरूरत पड़ी है राह इंसानियत उसमें आगे आगे है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनके अज़म में मजीद इस्तकलाल लाए, इनकी हिम्मत में मजीद इजाफा हो, और ये इसी तरह दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ मिलकर इन गरीब लोगों के साथ इनके बाजू बने और इनकी खिदमत करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारा जी, मैं सिर्फ इन्नी गल कहांगा कि ये प्रोग्राम मेरे रब का प्रोग्राम, अल्लाह पाक का प्रोग्राम आ, तो उ चलांदा पिया वा। तो अज का जो प्रोग्राम ये आज जो तारा जी ने पर्स फड़िया वा जो मैं इजाजत दे हथ लाने की, ये कैश आ जो कि हर भैन नूं देणगे अपने हथ नाल। ये कैश जिहड़ा वा ये कदूसा वालों आ, तो ऐड जाए नमाज ने, यह बड़ा खूबसूरत जाए नमाज आ और बेहतरीन जाए नमाज ने। यह जाए नमाज तो कुरान पाक है, साड़ी एक भैन आ उमैरा ये वालों आ, ऐड राशन आ जो राह इंसानियत वालों आ, ऐड राशन आ, यह सारा राशन जिहड़ा वा ये अयूब साहब वालों आ। तो असी उन्हां दे बड़े मशहूर हाँ कि स्पैशल प्रोग्राम उन्हां दी वजह हो रहा वा,
अल्लाह पाक उन्होंने कामयाबियां दे, अल्लाह पाक उन्होंने घरों से अपने रहमत बरकत नजर फरमाए। तो तारा जी तुसी आगाज करो बिस्मिल्लाह करके। हाँ जी सब भैन दुआ करनगियां साढ़े नाल हाथ चुक के असीं अपने रब को दुआ करांगे कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करदे हां लम्हे वास्ते इस वक्त वास्ते इस घड़ियां वास्ते जिहड़ा तेरी मर्जी नाल पूरा होया। अल्लाह पाक जो रिज़क दिता गया जो पैसे इन्हां वास्ते आए भेजे जो कुछ भी आ अल्लाह पाक सब कुछ तेरे वल्लों आ। साडी कोई औकात नहीं किसी दी वी, साडी कोई मजाल नहीं हैगी, साडी कोई बसात नहीं हैगी। और जिहड़े भैन भरा साडे नाल इस प्रोग्राम शामिल ने चार साल तों असीं उन्हां वास्ते दुआ करदे हां, अपने रब वाल इल्तजा करदे हां कि अल्लाह पाक उन्होंने वास्ते आसानियां पैदा फरमा। और अपने पूरे पाकिस्तान के सब वास्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब वास्ते रिज़क के दरवाजे खोल दे। अल्लाह पाक लोग मुफलसी गुरबत के परेशानियों मुसीबतों बलावों से घिरे हुए हैं। अल्लाह पाक हथ चुक के तेरे अगर दुआ करते हैं, सिर न झुका के दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब वास्ते आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह पाक जिनी तेरी मखलूक है सब वास्ते आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह पाक सब ते अपने रहमतों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह पाक सब ते अपने रिज़क के दरवाजे खोल दे। आमीन।